भारतीय किसान संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पूरे देश भर में सदस्यता अभियान के तहत 2 करोड़ सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। विभिन्न समस्याओं को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। किसान संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राम भरोसे विदिशा में आयोजित किसान संघ के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विस्तार से चर्चा की। वहीं बताया कि पिछले 3 दिनों के दौरान किसान संघ के देश भर से आए पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए हैं। साथ ही साथ पूरे देश में सदस्यता अभियान के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य भारत क्षेत्र में 1,680 गांव हैं, जिसमें हमारे पहुंचने का लक्ष्य है। साथ ही देश भर में करीब 2 करोड़ के लगभग कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई। आपका क्या नाम है, किस पत्र और आज जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या कार्यक्रम था, कहाँ रखा? मेरा नाम राम भरोस बसोतिया, भारतीय किसान संघ में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। ये कार्यक्रम जो इसलिए रखा गया, पूरे भारत में तय किया है कि कम से कम 1 लाख गांव में जाना, ये तो कम लक्ष्य है, और 2 लाख गांव तक जाने की मेरे पास कार्यकर्ताओं की सूची भी आ गई है, सूचना भी आ गई है। सदस्यता के मामले में अभी तक 35-40 लाख से आगे नहीं पूछे, इस बार 1 करोड़ से शुरू किया है। 1 करोड़ से अधिक सदस्यता कैसे, उसके लिए अभियान चल रहा है। इसमें मध्य भारत में भी ये संकल्प लिया कि 16,800 गांव हैं, कार्यकर्ता पूरे गांव में जाने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत जहां मैं भी मध्य भारत क्षेत्र में रहता हूं, नर्मदापुरम महाराया गाँव में रहा है, सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए, बात राष्ट्र की देखना। राष्ट्र में भी कुछ ऐसे प्रभावी प्रांत मुझे दिए हैं, जैसे राजस्थान पूरा 33 लाख कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करेंगे, 35 लाख सदस्यता बनाने का। गुजरात में 11 लाख बनेगी। 1 करोड़ का हमने लक्ष्य लिया था, तो 2.25 करोड़ तक का हमारे पास उसका भी लक्ष्य आ गया है। पर कार्यकर्ता काम करेंगे तो निश्चित रूप से 1 करोड़ से हम पहुँचेंगे, बहुत अधिक है। युवाओं का हर जगह जिले की इकाइयों के साथ बैठक हो रही, तहसील के साथ हो रही, संवैधानिक कार्यकर्ता निकाले जा रहे हैं, और फिर अन्य हमारे अनुसांगिक संगठन जितने, सबसे भी मैं तो मदद ले रहा हूँ, और वो सब सहयोग करेंगे, सब मुझे विश्वास है।